नाताशाही, आपके इस दुरात्मा को शस्त्र और प्रतिद्वंदी चुनने का अधिकार देने के बावजूद भी देखिए कैसे चुपचाप खड़ा है ये। अरे इसे तो केवल बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है, और यदि इसने युद्ध किया तो गदा से नहीं करेगा, क्योंकि ये जानता है कि यदि इसने गदा चुन ली तो इसे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, और यदि इसने मुझसे युद्ध किया तो ये जानता है कि ये मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा। ये कार क्या मुझसे युद्ध करेगा भ्राताश्री? यदि इसमें अपनी जान की बाजी लगाने की हिम्मत होती तो इसकी जगह इसका कोई न कोई भाई जीवित होता। ये तो सदा ही अपने प्राणों की चिंता करता रहा, कभी किसी भाई की रक्षा करने के लिए आगे नहीं आया। अपने सामने इसने सबको मरवा दिया, ये क्या मुझसे युद्ध करेगा? इसके सामने मैंने दुशासन का वध किया, परंतु बड़ा भाई होकर भी इसने दुशासन की रक्षा नहीं की। यदि कोई दूसरा भाई होता तो अपने भाइयों के वध का प्रतिशोध लेने के लिए मेरे साथ युद्ध करके मेरा वध करने की आकांक्षा करता, परंतु ये तो भगौड़ा निकला, ये क्या मुझसे युद्ध करेगा? ये तो केवल एक निर्बल नारी का भरी राज्यसभा में अपमान कर सकता है, परंतु मुझसे युद्ध नहीं कर सकता। ये शकुनी की आड़ में द्यूत खेल सकता है, परंतु युद्ध नहीं कर सकता। ये कायर है, नपुंसक है, बस भी बस। ये लांछन अब मैं सहन नहीं कर सकता। तुमने मेरी वीरता का अपमान किया है। हाँ, मैं युद्ध करूंगा, युद्ध करूंगा। भीम, मैं तुम्ही से युद्ध करूंगा, तुम्ही से। मैं पितामह, द्रोण, शल्य, कर्ण, मामा शकुनी, मेरे सभी पुत्रों और भाई, मित्रों, रिश्तेदारों और सभी योद्धाओं का प्रतिशोध तुम्ही से लूंगा भीम, तुम्ही से। बहुत बड़ी भूल की तुमने पुत्र, बहुत बड़ी भूल की। अरे तुम्हें तो युधिष्ठिर, नकुल या सहदेव को ही युद्ध करने के लिए चुनना चाहिए था, भीम को नहीं। परंतु तुमने तो साक्षात अपनी मृत्यु से गदा युद्ध करने का निर्णय ले लिया है। यही तो युधिष्ठिर की रणनीति है महाराज, अपने शत्रु को जीवित न रखने की रणनीति। महाराज, युधिष्ठिर ये नहीं चाहता था कि दुर्योधन उसकी शरण में आए। यदि दुर्योधन ऐसा करता तो उसे अभय देने के सिवा युधिष्ठिर के पास और कोई रास्ता नहीं रहता। बड़े भैया, प्रतिशोध के आवेश में आकर होश मत गंवाइए। ये मत भूलिए कि दुर्योधन साधारण गदाधर नहीं है, आप दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। बलराम भैया ने आप दोनों को महान गदाधर बनाया है। आज इस बात का फैसला हो जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ गदाधर कौन है। आज मैं इस पांडव के जनजात भैरी को सदा मौत की नींद सुला दूंगा। आज मैं महाराज युधिष्ठिर को अंतिम विजय दिलाकर ही दम लूंगा। हाँ बड़े भैया, मैं जानता हूं आज आप अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेंगे और इस दुर्योधन की जांघों को तोड़कर इसका वध करेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। दुर्योधन, आज के अंतिम युद्ध में मैं तुम्हारे और तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र दोनों के छल, कपट और अपराध का गिन गिन कर प्रतिशोध लूंगा। भीमसेन, सपने देखना बंद करो और मुझसे युद्ध करो, युद्ध। हाँ, जी भर के युद्ध करो, क्योंकि आज के बाद तुम किसी से युद्ध नहीं कर सकोगे। मैं आज तुम्हें मार कर
इस धरती का बोझ कम कर दूंगा और तुम्हारे सारे भाइयों को आजीवन वनवास भेज दूंगा। हे दुष्ट पापी, तेरी विषैली जीवा तो सदा ही तलवार की भांति चलती है। इसी विषैली जीवा ने कौरव वंश के समस्त योद्धाओं की जीवन डोर काटी है। सारथी, यदि तुम्हारे रथ की गति यही रही तो कुरुक्षेत्र पहुंचने के लिए मुझे अगले जन्म तक इंतजार करना पड़ेगा। रथ की गति बढ़ाओ। जो आ गया। गदा युद्ध देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ने साक्षात मृत्यु का रूप धारण कर लिया। आज सूर्यास्त से पहले इस युद्ध का निर्णय नहीं हो पाएगा। नहीं पार्थ, आज सूर्य भी इस युद्ध की समाप्ति से पहले अस्त नहीं होगा। दुर्योधन का यह भयंकर आवेश देखकर मुझे भार्गव शुक्राचार्य का नीति शास्त्र याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि जब एक योद्धा अपनी मृत्यु के भय से रणभूमि छोड़कर भाग जाता है, परंतु जब विवश होकर उसे फिर रणभूमि पर लौटना पड़ता है, अपने शत्रु के साथ युद्ध करना पड़ता है, तब ऐसे शत्रु के साथ युद्ध करने वाले योद्धा को सावधान रहना चाहिए। अर्थात उनके कहने का अर्थ यह था कि ऐसा योद्धा अपनी जान हथेली पर लेकर युद्ध करता है। आज दुर्योधन भी इसी संकल्प के साथ युद्ध कर रहा है, जीतेगा या अपने प्राण हार जाएगा।
दाऊ भैया आ रहे हैं। मधुसूदन, दाऊ भैया। कन्हैया, दाऊ भैया, कन्हैया, कन्हैया, प्रणाम दाऊ भैया। कन्हैया, कन्हैया, हमें ये युद्ध रोकना होगा। कन्हैया, मेरे एक शिष्य से मेरे दूसरे शिष्य का वध मुझसे नहीं देखा जाएगा, और कौरव पुत्रों में दुर्योधन अकेला ही तो बच गया है। अकेले दुर्योधन के पांडव द्वेष के कारण ही तो ये महायुद्ध शुरू हुआ है। अकेले दुर्योधन के कारण ही तो कुरु कुल का महाविनाश हुआ है। परंतु कन्हैया, उनका संपूर्ण विनाश तो हम रोक सकते हैं ना। कन्हैया, यदि मैं आदेश दूं तो दुर्योधन मेरी अवज्ञा नहीं करेगा, और युधिष्ठिर भी मेरी आज्ञा का पालन अवश्य करेगा। दाऊ भैया, परंतु परंतु वरंतु कुछ नहीं कन्हैया, मैं अभी ये युद्ध रोकने जा रहा हूँ। दाऊ भैया, अरे सुनिए दाऊ भैया,